अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी एक बहुत ही पुरानी क्रीम जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, स्टिलमेंस वाइटनिंग क्रीम के बारे में। स्टिलमेंस एक ऐसी क्रीम है जो पाकिस्तान में बहुत अरसे से यूज़ होती आ रही है। मेरे पास इस वक्त स्टिलमेंस क्रीम है, जबकि इसकी और भी क्रीम्स होती हैं जैसा कि क्रीम ब्लीच, इसके अलावा मेंस स्टिलमेंट भी क्रीम मौजूद है। लेकिन जिस क्रीम का मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ ये फेयरनेस क्रीम है। इसकी पैकेजिंग भी डिफरेंट होती है, ये स्मॉल पैकेजिंग है। इसके अलावा इसमें एक लार्ज पैकिंग भी आती है, इससे वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगी। सिर्फ दो पैकेजिंग इसकी होती हैं। वीडियो में मैं आपको सारा इसके बारे में बताऊंगी कि ये किस तरह से हम अपनी स्किन पे लगाने के बाद अपनी स्किन का जो कलर है वो ब्राइट कर सकते हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। और इसके अलावा इसकी प्राइस के बारे में मैं बात कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी इसकी पैकेजिंग कैसी है। ये बहुत एक अच्छे से ग्रीन कलर के पैकेट में, या इसको आप बॉक्स कह लें, उसमें आती है। ये थोड़ी सी यूनिक पैकेजिंग है क्योंकि ये बहुत सालों पहले पाकिस्तान में मौजूद थी और इसकी स्टिल अभी भी सेम पैकेजिंग में ही आ रही है ये। इसमें उन्होंने कोई भी इसका कलर चेंज नहीं किया, या जो आजकल मार्केट में क्रीम आती हैं वो तमाम एक ही पैकेजिंग में मौजूद होती हैं, मतलब उनकी सेम ही पैकेजिंग होती है। अगर हम बायोकास्ट की बात कर लें, इसके अलावा अगर हम गोल्डन पर्ल की बात कर लें, फाइजा ब्यूटी क्रीम, तमाम जो क्रीमें हैं इनकी सेम एक ही लुक होती है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसके अंदर जो क्रीम मौजूद है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपको थोड़े से अच्छे रिजल्ट देती है और स्किन को कम ही डैमेज करती है। अगर आप इसको किसी चीज़ में या अगर आप लोशन में भी मिक्स करके लगाएं तो ये आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि इसमें जो मरकरी है थोड़ी सी कम क्वांटिटी में है। लाजमी बात है, इसमें मरकरी तो मौजूद है लेकिन कम क्वांटिटी में, और ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी भी ब्राइट नहीं करेगी। अगर आप इसको मंथ के लिए यूज़ करें तो तभी ये कुछ आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट दिखाएगी। जब इसके रिव्यू देखे तो कुछ लोग इसको बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत पुरानी क्रीम है पाकिस्तान में, तो इसको लोग बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं और उनको अभी तक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले, जो एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपकी स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज भी रखती है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी, गर्मियों में खसूसन, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस करेगी। अगर आप कोई ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं स्किन को फेयर करने के लिए तो आप डेफ़िनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और ख़ुसूसन अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।